तो फ्रिक्शन टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो कि जेई मेंस 2019 में पूछा गया था। इसमें देखेंगे दो ब्लॉक्स हैं, ए और बी, दोनों का मास दिया गया है। ए का मास है 1 किलोग्राम, बी का मास है 3 किलोग्राम, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है कहीं भी आप ले सकते हैं, ए और बी के बीच में, बी और टेबल के बीच में 0.2 दिया गया है ना। पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एफ, एफ फोर्स जो है बी पर अप्लाई किया गया है, सो दैट ए डज नॉट स्लाइड ओवर द ब्लॉक बी, है ना। तो यहाँ पर दो ब्लॉक्स हमें दिए गए हैं, एक है ब्लॉक बी और दूसरा है ब्लॉक ए। इस पर हमने फोर्स लगाया है, अगर इनके बीच में जस्ट स्लाइडिंग होने वाला है, चूँकि हमने मैक्सिमम फोर्स लगाया है ना, मैक्सिमम फोर्स लगाया है कि यहाँ पर स्लाइडिंग हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, इसका मतलब ये है कि नीचे तो स्लिपिंग हो ही गया होगा, है ना। तो यहाँ पर एक तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, अब यहाँ स्लाइड करेगा तो उसकी वजह से इनको एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो इनके बीच में स्लिपिंग का चांस बनता है। अब चूँकि ये मैक्सिमम फोर्स है तो यहाँ भी स्लाइडिंग होने वाला है, हुआ नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, ऊपर वाले पर फ्रिक्शन लगना चाहिए, इधर यहाँ भी जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन डिफरेंट होंगे, है ना। मैं इसको एफ डैश लिख देता हूँ, तो ए पर लगेगा आगे की तरफ, क्योंकि अगर ये स्लाइड नहीं करा तो वो जाएगा आगे, और आगे जाएगा तो आगे ले जाने वाला फोर्स उस पर केवल एक ही है और वो है फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो तो नीचे वाले पर लगाया है ना, तो ये आगे जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। तो इस पर इन दोनों अगर सरफेस की बात करें जो कांटेक्ट में है, इन पर इक्वल और अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगते हैं, तो इस पर एफ मैक्सिमम जो है वो आ जाएगा पीछे की तरफ, है ना। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये दोनों साथ में चल रहे हैं तो उस केस में दोनों के पास इक्वल एक्सेलरेशन आना चाहिए, है ना। अब ए पर अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालता हूँ, इसका मास दिया गया है 1 kg, तो इसका वेट आएगा 10 न्यूटन और यहाँ से नॉर्मल आएगा N1, तो इक्विलिब्रियम में N1 का वैल्यू होगा 10 न्यूटन और यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो होता है म्यू N1, है ना। तो म्यू है 0.2 और N1 है 10, इसका मतलब ये हो गया कि 2 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे 2 न्यूटन, यहाँ भी ये जो है ये भी 2 न्यूटन ही होगा, है ना। अच्छा नीचे देखते हैं, जो बी है ब्लॉक बी पर, ऊपर से एक नॉर्मल आएगा N1, क्योंकि इसने 1 kg वाले पर ऊपर N1 नॉर्मल लगाया तो वो भी नीचे लगाएगा N1, इसका खुद का वेट जो है वो आएगा नीचे 3g, इसका 3 kg का वेट है, मास है, और यहाँ से ग्राउंड से या टेबल से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसको हम लोग कह सकते हैं N2, तो ये भी वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम से नीचे लगने वाला फोर्स है N1 प्लस 3g इज इक्वल टू ऊपर लगने वाला फोर्स है N2। N1 का वैल्यू हमने पता किया था 10 न्यूटन, ये हो गया 30 इज इक्वल टू N2, तो N2 आया है 40, है ना। तो इस पर जो इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ डैश मैक्सिमम, ये होना चाहिए म्यू इंटू N2, तो म्यू है 0.2 और N2 है 40, तो ये 8 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स आएगा यहाँ पर, है ना। तो अब 8 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो हमें पता करना है कि इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि स्लिप नहीं करेगा। तो पहला काम हम तो ये करेंगे कि जो ए है ऊपर वाला उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, देखेंगे कि ये जो चल रहा है इसके पास जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है ना। इनके बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है वो है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ही ए को आगे की तरफ ले जाएगा, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो ये ब्लॉक यहीं रुका रहता, ये नीचे से निकल जाता है ना। तो ये एक तरह से जो है इसके लिए ड्राइविंग फोर्स है, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ इसका, इसका लिख सकते हैं फोर्स 2 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
क्योंकि यहाँ पर बीच में स्लीपिंग नहीं हो रहा है, इसलिए नीचे वाला ब्लॉक भी उसी एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, दोनों एक साथ में चल रहे होंगे। तो जो नीचे वाला ब्लॉक है, मैं इसका भी डायग्राम बनाता हूँ, इसका भी इक्वेशन लिखूँगा, ठीक है। तो इधर लग रहा है एफ, मैं इसको अब कह सकता हूँ कि ये मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, जिससे कि इनके बीच में स्लीपिंग नहीं हो रही है। स्लीपिंग कैसे कह सकते हैं नहीं हो रही है, क्योंकि मैं एक्सेलरेशन दोनों का इक्वल ले रहा हूँ, है ना। तो ये मैक्सिमम फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर एफ मैक्सिमम आया है 8 न्यूटन, और ऊपर वाले सरफेस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है 2 न्यूटन, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन भी उतना ही होगा जितना कि ऊपर वाले का है, और वो आया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसा कि अभी हमने वहाँ पर फाइंड किया है। तो मैं इसका इक्वेशन लिखूँगा, एफ मैक्सिमम माइनस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू मास, मास इसका 3 kg है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन 2, है ना। तो एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये देखेंगे आ जाएगा यहाँ से माइनस 10, और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 10, है ना। ये प्लस 10 हो गया और ये प्लस 6 है, तो कुल मिलाकर के 16 न्यूटन का जो है मैक्सिमम फोर्स इस पर अप्लाई किया जा सकता है। इतना फोर्स लगाने पर यहाँ पर स्लिपिंग नहीं होगा, इससे थोड़ा भी ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर स्लिपिंग हो जाएगा,